ऑनलाइन लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे टीवी एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी की। बता दें कि बीते 11 नवंबर को सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया। काफी ज्यादा पूरी खबर यहां पर उनको लेकर के आई। फैंस के लिए इस बात पे भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि आखिरकार सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का यह अचानक से निधन क्यों हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पर बात करें सिद्धांत वीर सूर्यवंशी की तो 46 साल की बहुत ही कम उम्र एक होती है। ऐसी उम्र में उनका यूं इस तरह से चले जाना, वो भी साफ तौर पर उस वक्त जब वो यहाँ पर अपनी सेहत को लेकर काफी ज्यादा ख्याल रखते थे, जिम में एक्सरसाइज करते वक्त उनका निधन हुआ। आपको बता दें कि यहाँ पर सिद्धांत सूर्यवंशी से पहले बिल्कुल इसी तरह से कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का भी निधन हुआ था। बीते 10 अगस्त को दिल्ली के जिम में एक्सरसाइज राजू श्रीवास्तव कर रहे थे और उनका भी निधन बिल्कुल इन्हीं हालातों में हुआ। जिम में एक्सरसाइज करते वक्त अचानक से चेस्ट में पेन होने लगा और बेहोश होकर गिर पड़े। ऐसा ही कल बिल्कुल सेम कह सकते पूरा सीन रिक्रिएट होता हुआ दिखाई दिया सिद्धांत वीर सूर्यवंशी के साथ, और जिस तरह से उनका निधन हुआ काफी ज्यादा दुखद है। फैंस तो यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी है ही, लेकिन साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जो उनके को एक्टर्स हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं, काफी सदमे में है। परिवार का भी हाल बहुत ज्यादा बुरा दिखाई दे रहा है। वहीं अगर यहाँ पर दूसरी ओर बात करें जिस तरह से सिद्धांत वीर सूर्यवंशी अंतिम संस्कार हुआ है, काफी ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि दर्द भरी तस्वीरें सामने आई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह की चीजें हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का यूं इस तरह से अचानक चले जाना टीवी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपको इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर खुलासा करेंगे कि आखिरकार कौन थे सिद्धांत वीर सूर्यवंशी, किस तरह का उनका एक्टिंग करियर रहा और आखिरकार उन्होंने क्या कुछ अपनी जिंदगी में अचीव किया। पर्सनल लाइफ से जुड़े भी कई ऐसे राज आपको बताएंगे जो आपने शायद इससे पहले नहीं सुने होंगे। तो आपको बता दें कि सिद्धांत वीर सूर्यवंशी लंबे समय से टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव थे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी सीरियल ममता से की थी। ये वही सीरियल है जिससे उन्हें घर घर में पहचान मिली थी। इस शो में उनका किरदार फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आया था। जी हाँ, अक्षय श्रीवास्तव के किरदार में सूर्यवंशी नजर आए थे और फैंस ने उन्हें इस किरदार में बहुत ज्यादा पसंद किया था। उनके साथ इस शो में ममता के किरदार में एक्ट्रेस नजर आई थी और उन्हें भी फैंस ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। इस जोड़े को फैंस आज भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वही दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद जो उन्हें लोकप्रियता मिली वो मिली थी टीवी सीरियल कुसुम से। खास तौर पर यहाँ पर वो कई टीआरपी बेस्ड सीरियल में काम कर चुके हैं। स्टार प्लस का सुपर हिट टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की तो आप सभी को याद होगा। इस शो में भी श्वेता तिवारी के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग उनकी देखने को मिली और ऐसे में जिस तरह से उनका निधन हुआ उनके को एक्टर को काफी ज्यादा दुख है। अगर बात करूं यहाँ पर तो आपको बता दें कि टीवी एक्टर जय भानुशाली ने उनके निधन पर काफी ज्यादा शोक जताया। यहाँ तक कि जय भानुशाली ने ही उनके निधन की पुष्टि भी की। ये बुरी खबर फैंस के साथ शेयर की। कल करीब 12:25 पर सूर्यवंशी ने कोकिला बेन हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। करीब 45 मिनट तक डॉक्टर्स ने उन्हें पूरी बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। वहीं दूसरी ओर अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने यहाँ पर शादी की थी साल 2007 में ईरा राउत से शादी की थी सिद्धांत वीर सूर्यवंशी ने, लेकिन साल 2015 में उनका डिवोर्स हो गया और जिसके बाद उन्होंने एक रशियन मॉडल से शादी की थी जिनका नाम यहाँ पर एलिसा था। एलिसा से शादी के बाद उनकी एक बेटी भी हुई और एक बेटा भी हुआ। यहाँ पर 5 साल की शादी और जिस तरह से वो अचानक से पूरे परिवार को यूं अकेला छोड़ गए हैं। यहाँ पर अगर मैं खास तौर पे बात करूँ सिद्धांत सूर्यवंशी की बेटी डीजा सूर्यवंशी, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। उनका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ दिखाई दिया जिसमें बेटी का दुख साफ तौर पर नजर आ रहा था कि पिता को खोने के बाद किस तरह का दुख यहाँ पर बेटी महसूस कर रही है। और अगर बात करें उनकी आखिरी विदाई की जो तस्वीर है वो भी काफी ज्यादा दर्दनाक होंगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से सिद्धांत वीर सूर्यवंशी की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा अच्छी थी, फिटनेस फ्रीक माने जाते थे, और इसी बीच उनका लास्ट इंस्टाग्राम का पोस्ट भी वायरल होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि फैंस के लिए इस बात पे भरोसा करना बिल्कुल भी
आसान नहीं था कि आखिरकार इस तरह से कैसे सिद्धार्थ अपने फैंस और परिवार को अकेला छोड़कर चले गए। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें सिद्धांत की, तो आपको बता दें कि सिद्धांत के कई दोस्त अब उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कई बड़े खुलासे कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है जिनका मैं नाम लेना चाहूँ, तो सिद्धांत की को एक्टर रह चुकी हैं और साथ ही यहाँ पर उनकी काफी अच्छी दोस्त यानी कि विश्वप्रीत कौर, उन्होंने यहाँ पर बड़ा खुलासा किया। साथ ही सिंपल कौर ने भी एक बड़ा खुलासा किया कि डिप्रेशन में थे। यहाँ पर जो एक्टर है सिद्धांत वीर सूर्यवंशी डिप्रेशन का शिकार थे। दरअसल उनके निधन की खबर जब विश्वप्रीत कौर को मिली तो उन्हें इस बात पे भरोसा नहीं हुआ। अपने कॉमन फ्रेंड से उन्होंने सिद्धांत की पत्नी का फोन नंबर लिया और फिर जब उन्होंने इस बात को कन्फर्म कर दिया तो उनके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। मीडिया से बातचीत करते हुए यहाँ पर विश्वप्रीत कौर ने बताया था कि जिम जाने से पहले ही मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी, काफी अच्छे से वो बात कर रही थी और जिम से वापस आने के बाद वो मुझसे मुलाकात भी करने वाले थे। हमने काफी अच्छा बॉन्ड शेयर किया है और ऐसे में उनका यूँ जाना मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग है। इसी के साथ जब मीडिया ने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या सिद्धांत सूर्यवंशी किसी तरह के डिप्रेशन में थे, तो इस पर उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर हर एक्टर को डिप्रेशन या यूं कहें कि उन्हें स्ट्रेस रहता ही है। कभी वो काम का स्ट्रेस होता है, कई बार कंट्रोवर्सी का स्ट्रेस होता है, कई बार पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस होता है, तो ऐसे में कुछ भी कहना यहाँ पर सही नहीं होगा। इस तरह की बात कहती हुई नजर आई उनकी दोस्त। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ तो कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सिद्धांत सूर्यवंशी को नम आंखों से याद करते हुए नजर आए। जिस तरह से जय भानुशाली ने यहाँ पर सिद्धांत की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि इतनी जल्दी तुम्हारा चला जाना काफी ज्यादा दुखद है, कभी ऐसा भरोसा नहीं किया, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह से तुम चले जाओगे, तुम्हारे साथ काफी अच्छा बॉन्ड हमने शेयर किया, जल्द ही मिलने का वादा करके तुम यूं इस तरह से अकेला हमें छोड़कर चले गए। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो सिद्धांत की दोस्त और उनकी को एक्टर किशोर मर्चेंट ने भी इस तरह का एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया जिसपे वो यही कह रहे थे कि काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज है, मैं उनके परिवार के लिए दुआ करती हूँ कि भगवान उन्हें इस दुख भरी घड़ी में मजबूती दे और उनकी प्रार्थना भी करती हूँ कि इस दुख से लड़ने की उन्हें ताकत दे। इसी के साथ सुरेश राव जो कि बॉलीवुड एक्टर है, सिंगर है और साथ ही किशोर के पति है, उन्होंने भी यहाँ पर उनके लिए निधन पे दुख जताया। तो वहीं दूसरी ओर गौतम रोड़े और सिद्धांत सूर्यवंशी का काफी खास रिश्ता था। जी हाँ, दोनों सोनी टीवी पर आने वाले टीवी सीरियल सूर्यपुत्र कांड में नजर आए थे। दोनों ने काफी अच्छा वक्त इस शो के दौरान स्पेंड किया और काफी अच्छा दोनों के बीच बॉन्ड भी था। आपको बता दें कि यहाँ पर गौतम रोड़े को जब सिद्धांत सूर्यवंशी के निधन के बारे में पता चला तो काफी ज्यादा शॉक में आ गए थे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भी बताया कि मेरी ही तरह वो भी अपनी फिटनेस का काफी ज्यादा ध्यान रखते थे और जिस तरह से अचानक से कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हुआ काफी ज्यादा दुखदाई है और हम सब ने इस तरह का कुछ इमेजिन नहीं किया था जिस तरह से वो अपने फैंस को अकेला छोड़ गए हैं। सिद्धांत सूर्यवंशी के निधन से न केवल टीवी इंडस्ट्री बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी शोक की लहर है। लगातार सोशल मीडिया पर फैंस अपने फेवरेट एक्टर को, अपने चहेते कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए